उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ हाथरस में एक सत्संग कार्यक्रम में भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई, जिसमें अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 200 से अधिक लोग घायल भी हैं। प्रदेश में हुई इस बड़ी घटना को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। बता दें कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी ने कई लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को भी हाथरस हादसे का जायजा लेने के लिए भेज दिया है। घटना स्थल पर कई जोन के एडीजी और पुलिस कप्तानों का जमावड़ा लगा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल पर लिखा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को घटना स्थल पर पहुँचने के निर्देश दे दिए गए हैं।